तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। जी हाँ, हम बात करेंगे लॉजिकल कैलकुलेशंस की। उससे पहले मैंने आपको अपनी रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं दिया है, सॉरी रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिया, आप रिकॉर्ड कर लें। जैसे कि मैंने बताया था कल क्लास में कि हमारे मैथमेटिकल में मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। उसी तरह से एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, इक्वल ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो अभी होता क्या है, अभी चीज को देखिए। जैसे हमने यहाँ पे अपने कुछ नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे हमने मुझे इसमें से ए करना है। मुझे चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन कौन से हैं। ये चेक करना है कि इसमें ग्रेटर देन 50 कौन कौन से हैं। तो कैसे करें, तो ग्रेटर देन 50 के लिए हमें जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं कि इफ इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन 50 इस तरह से। लेकिन इफ का काम ये चेक करना नहीं है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। इफ का काम है ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करना आपके अपने रिजल्ट में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपना लॉजिकल कंडीशन लगा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया A1 इज ग्रेटर देन 50 और फिर इसको नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। नीचे की तरफ जब हमने इसको ड्रैग कर लिया तो जहां पे मैच किया वहां पे ट्रू, जहां पे मैच नहीं किया वहां पे फॉल्स। अब आप इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने खुद के रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला। इफ अगर ए ट्रू है तो अपना रिजल्ट कोई डाल दीजिए, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में, नंबर हो तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज बताना था कि जब हम इफ लगा देते हैं और इफ में डायरेक्ट बोल देते हैं ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे ओके, जनरली हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं। और कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, ये जो जो है दिस अ पार्ट ऑफ इफ, बट ऐसा नहीं है, ये इफ का पार्ट नहीं है। ये इंडिविजुअल है, इफ में हमने इसको कंबाइन किया है एंड दो कॉलम में अलग अलग ना लगा के हम इकट्ठे लगा देते हैं। समझ में आया रुवन जी? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हम बात करते हैं कि कोई फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, अपनी खुद की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल की जाती है। कैलकुलेशन का कई तरह का होता है, मैथमेटिकल लॉजिकल अर्थमेटिकल, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए ही हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल प्लेस करना है। इक्वल नहीं है तो आप प्लस से भी यूज कर सकते हैं, राइट? इस तरह से प्लस से भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
माइनस से भी हो जाता है पर रिजल्ट माइनस में आता है, लेकिन इक्वल से ही करना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला का इनिशियल वर्ड टाइप कीजिए, नीचे आपको फॉर्मूले के सजेशंस आ जाएंगे। इन सजेशंस को आप एरो की से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इन सजेशन को ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हो, राइट सर? यहाँ पे हम जिस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है उसको एरो की से जब वहां पहुंच जाते हैं सिलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे उस फॉर्मूले का डेफिनेशन आपको दिखता है, परिभाषा कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। फिर टैब प्रेस कीजिएगा तो फॉर्मूला सिलेक्ट होके ब्रैकेट ओपन आ जाएगा और नीचे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, मतलब टेक्स्ट। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, जैसे लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, ये तीन इनपुट दिए जाएंगे और ये तीन इनपुट में एक हमारा जो है वो रिक्वायर है और तीन में दो हमारा ऑप्शनल है। कैसे पता चला कि रिक्वायर को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डाला गया है बट ऑप्शनल को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, मतलब लॉजिकल टेस्ट डाले बगैर नहीं आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन लॉजिकल टेस्ट जब हम डाल देते हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू एंड वैल्यू फॉल्स है ये हमारा ऑप्शनल है, डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, समझा? समझे सर? यस सर। ये हमारा फॉर्मूला लगाने का तरीका। और सिर्फ इफ की बात नहीं करें, आप वी लुकअप लगा लीजिए, वी लुकअप इसी तरह से लगेगा, यहाँ पे आपका रेंज लुकअप जो है ये ऑप्शनल है, तो आप जो है इसमें इसको यूज कर सकते हो। ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? नहीं।